दोस्तों रेडमी नोट 5 नहीं आएगा, MI ने हमें धोखा दिया है। मैं आपसे बैट लगा सकता हूँ कि जो रेडमी 5 प्लस लॉन्च हुआ था चाइना में, वही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा रेडमी नोट 5 के नाम से। ये बात मैं नहीं कह रहा, काफ़ी लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोगों का कहना है कि जब टेक्निकल गुरुजी ने अपनी टेक न्यूज़ में बोला है कि जो रेडमी 5 प्लस है वही इंडिया में रेडमी नोट 5 के नाम से लॉन्च होने का चांस है, तो आप कैसे कह सकते हो कि रेडमी नोट 5 अलग से आएगा इंडिया में, रेडमी 5 प्लस इंडिया में लॉन्च नहीं किया जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो पॉइंट्स सुनने के बाद आप मुझे डिसाइड करके बताना कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कैमरा। मैं काफ़ी टाइम से रेडमी 5 यूज़ कर रहा हूँ और यही सेम कैमरा सेटअप आपको रेडमी 5 प्लस में भी मिलता है, तो मैं इतनी बात बोल सकता हूँ आपको जो कैमरा है रेडमी 5 प्लस का उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। रेडमी नोट 4 से ये कैमरा ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया गया। सेम प्राइस में आपको काफ़ी स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे जिनका कैमरा बहुत ही बेटर है रेडमी 5 प्लस के कंपैरिजन में, और ना ही आपको इसमें ड्यूल कैमरास का सेटअप मिलता है जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है। दूसरा पॉइंट है हार्डवेयर। इसमें आपको वही पुराना स्नैपड्रैगन 625 मिलता है जो कि आपको रेडमी नोट 4 में भी मिलता था। आप एक बार हिस्ट्री चेक करो, जब भी MI ने कोई न्यू स्मार्टफोन लॉन्च किया है वो उस टाइम पे बेस्ट रहा है उस प्राइस कैटेगरी में। चाहे आप रेडमी 2 देख लो या रेडमी 3S, अब जैसे रेडमी नोट 3 या रेडमी नोट 4 आए थे उस टाइम पे बाकी सब आपको या तो मीडियाटेक का प्रोसेसर दे रहे थे उस प्राइस पे या स्नैपड्रैगन 615, जबकि रेडमी नोट 3 और नोट 4 में आपको स्नैपड्रैगन 650 और 625 मिला जो कि बेस्ट था उस टाइम पे उस प्राइस के हिसाब से। अब जैसे मोटरोला के स्मार्टफोन्स आने वाले हैं जिनमें आपको स्नैपड्रैगन 630 मिलने की उम्मीद है, और भी काफ़ी स्मार्टफोन्स आने वाले हैं जिनमें आपको स्नैपड्रैगन 625 से अच्छा प्रोसेसर मिलेगा, तो ऐसे में MI कभी भी रेडमी नोट 5 स्नैपड्रैगन 625 के साथ लॉन्च नहीं करेगा इंडिया में, क्योंकि MI काफ़ी स्मार्ट है, वो आपको कुछ ऐसा देगा जो बाकी सब अभी सोच भी नहीं रहे। हमेशा की तरह इस बार भी मार्केट में जो चल रहा है उससे हटके कुछ मिलेगा आपको रेडमी नोट 5 में। और दोस्तों रेडमी 5 प्लस में आपको और कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा रेडमी नोट 4 के कंपैरिजन में, बल्कि जो बैटरी है वो पहले से भी कम कर दी गई है। पहले आपको 4100 mAh की बैटरी मिलती थी, रेडमी 5 प्लस में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, और बोला जा रहा है कि रेडमी 5 प्लस में आपको 4K वीडियो कैप्चर करने का ऑप्शन मिलता है जो कि आपको रेडमी नोट 4 में नहीं मिलता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि रेडमी नोट 4 में आप 4K वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते थे, आप रेडमी नोट 4 में भी इजिली 4K वीडियो कैप्चर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी। डिफॉल्ट कैमरा ऐप में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। मैंने बहुत बार कैप्चर किया है 4K वीडियो रेडमी नोट 4 से। देखा जाए तो अगर रेडमी 5 प्लस इंडिया में आता रेडमी नोट 5 बन के, तो आपके पास अपग्रेड करने का कोई भी बड़ा रीज़न ना होता, सिर्फ आपको 18:9 डिस्प्ले के लिए अपग्रेड करना पड़ता और कोई भी रीज़न नहीं था। ना इसमें आपको ड्यूल कैमरास मिलते हैं, ना ही प्रोसेसर नया है, ना ही आपको इसमें बैटरी इंप्रूव करके दी जा रही है, यहाँ तक कि दोस्तों आप डिज़ाइन भी देखोगे उसमें भी कुछ नया नहीं है। फ्रंट साइड को आप छोड़ दो, बैक साइड से ये आपको अभी भी रेडमी नोट 4 की तरह ही लगता है। तो ऐसे में आप ही मुझे बताओ कौन लेना पसंद करेगा रेडमी 5 प्लस रेडमी नोट 5 की जगह पे। यही रीज़न है कि मैंने आपको कहा है रेडमी नोट 5 अलग से आएगा, रेडमी 5 प्लस नहीं आएगा, क्योंकि MI बहुत ही स्मार्ट है। बाकी दोस्तों आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है MI क्या करने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।